आज हम बोलने के लिए हम शर्मा रहे हैं। हमारे जो लोग हैं उनका माइंडसेट नहीं। हम अगर आज किसी के पास बोलेंगे, अगर हम किसी के पास अगर बोलेंगे इंशाल्लाह मैं कार लेने वाला हूँ बोल के, तो वो पहले हंसेगा। क्या बोलेगा वो? बोले हंसेगा, बोले और उसकी वजह से अपनी हार वहीं वहीं से शुरू वहीं से अपनी, सही बोले सर ने, अपनी जो हार होंगी वहीं से शुरू होंगी। तो सबसे पहला आप जब फैक्ट आता है माइंडसेट, तो मेरे को ये एक बात बताओ, यहाँ पे कितने लोगों को पैसा नहीं कमाना है जो हाथ ऊपर करो? अच्छा वो हाथ ऊपर नहीं करे, समझदार है वो, सब समझदार है, आप सब सुन रहे हैं, इसका मतलब सबको पैसा कमाना है। जब पैसे कमाना है तो कई रास्ते पैसे कमाना है, तो सबसे पहले अपना माइंडसेट को बहुत स्ट्रांग करना है। तो लाइफ के अंदर जितनी भी सिचुएशन आएंगी, जो भी काम करो, जो भी बिजनेस करो, कौन सा भी आप काम, एफर्ट लगाना जरूरी है, अपना एफर्ट लगाना 100% जरूरी है। क्योंकि आज की दुनिया में माइंडसेट क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि हमारे हदीस में भी आता है कि जैसी नीयत वैसी बरकत। अगर इंसान ने एक ही नीयत लेके बैठा तो अल्लाह ताला वो देंगे। हाँ, वो कहीं मजहब का हो। जब ये बात अगर साइड में हो गई कि एक चीज़ आती है कि यूनिवर्स, जब हम कोई चीज़ को सुनते हैं समझते हैं, अगर वो चीज़ के ऊपर हम अटल रहते हैं कि मुझे चाहिए चाहिए, तो वो बात जो है यूनिवर्स में जाती है। ये किसी को नहीं मालूम है ना यूनिवर्स क्या है। जो चीज़ तुमने भेजे वही चीज़ रिटर्न आएंगी। आई फॉर एग्जाम्पल, मैंने अयाज सर को हाई लिख के भेजा, तो यहाँ पे मैंने मैसेज हाई लिख कर उनको सेंड किया, तो वहाँ पर हेलो नहीं लिखेगा, हाई ही जाएगा। तो जैसा तुम फेंकोगे वैसा ही वो वापस आएगा। पहले के ज़माने में बर्ड्स का शिकार करने के लिए बूमरैंग का इस्तेमाल होता था, मालूम है? वो फेंकते थे तो वो रिटर्न आता था वापस से। तो यही तरीका है, जैसा हम सोचेंगे, जैसा हमारा माइंडसेट होगा, वो चीज़ वैसे ही जाएंगी और वैसे ही लौट के आएंगी। ये सुन लो, तो ज़िंदगी में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं। आज हम कैसा जी रहे मालूम क्या? हमारे बाजू वाले चिचा है, हमारे खाला है, ये लोग क्या है, नॉर्मल सी ज़िंदगी में, कंफर्टेबल ज़िंदगी में आज गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हम उनको देख के वही कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ अलग सोच रहे हैं। भीड़ से अलग निकलना है, भीड़ में चलना नहीं है, भीड़ से थोड़ा अलग निकलेंगे तो इंसान दिखेगा। आज मुंबई की लोकल ट्रेन में अगर तुम खड़ेंगे ना भीड़ में, तो तुमको चलने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली तुमको अंदर ढकल डालेंगे, क्योंकि तुम भीड़ के अंदर खड़े। आज हम लोग जो काम करने वाले हैं ना, भीड़ थोड़ा अलग है। आज जो है ना, आज लोग हंसेंगे, कई लोग तालियां मारेंगे ये चीज़ पे। आज कई लोग ऐसे हैं जो कामयाब हुए, अरे अंबानी ये वो, ये लोग का माइंडसेट था, क्या था? माइंडसेट था। आज ये लोग अगर बोलेंगे तो सबसे बड़े अरबपतियों में इनका नाम आता। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग चीज़ है। इसके जरिए से इंसान ने लैपटॉप बनाया, कंप्यूटर बनाया, बड़ी से बड़ी चीज़ बनाई, मिसाइल तक बनाए, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। क्यों? वो जब स्कूल में थे ना, तो उनको हेडमास्टर जी ने निकाल दिए थे, क्योंकि उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था। उनके पेरेंट्स को बुलाया गया स्कूल में, चे तुमने मेरे बेटे को क्यों निकाले? तो बोले तुम्हारा बेटा पढ़ता नहीं। तो APJ अब्दुल कलाम ने पूछे उनके अम्मी से, अम्मी मेरे को क्यों निकाले? बोले स्कूल से, बोले तू बहुत बड़ा दिमाग है, बोले तेरा, तू इस दुनिया से बहुत अलग है, बोले वो स्कूल में तेरी ज़रूरत ही नहीं, बोले क्योंकि वो बड़ी स्कूल तेरे लिए कैपिटेबल है, बोले। तो वही इंसान अगर हार मानता था उस टाइम पे, अगर उसके मम्मी उसको उनको बोलते थे कि तेरे को पढ़ने नहीं आना, आज वो मिसाइल मैन नहीं बनते थे, आज वो इतना नाम नहीं होता था उनका। क्यों? क्योंकि इंसान ने माइंड सेट बना अंदर से पॉजिटिव एनर्जी। आज हम अगर मैं एक बात बताऊँ, एक कमज़ोर इंसान है रुकड़ा, एक बॉडी बिल्डर है, हम किसको मजबूत बोलेंगे? बॉडी बिल्डर को। चलो ठीक है, अगर बॉडी बिल्डर इंसान अंदर से मजबूत नहीं है, मेंटेलिटी नहीं है, अगर वो रुकड़ा बंदा अंदर से पॉजिटिव है, अंदर से उसको पॉजिटिव एनर्जी है, तो स्ट्रांग कौन रहेगा? क्योंकि लाइफ में जीने के लिए बाहर से स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है, अंदर से स्ट्रांग होना जरूरी है। आज सुशांत सिंह कितना कुछ था उसके पास, क्या जरूरत थी उसको? बिकॉज ऑफ माइंडसेट, थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा बहुत चले गया। तो माइंडसेट को मजबूत करो, यही चीज़ है माइंडसेट का डेवलप होना, माइंडसेट का बनना जिंदगी में कामयाब होने के लिए। कुछ भी करो माइंडसेट के साथ करो। आज हम किधर भी काम करेंगे तो हमारे सामने, समझो मैं फॉर एग्जांपल, मैं जब इवेंट में काम करता था तो मेरे को वहाँ पे 700 रुपये पेमेंट थी वन डे की। तो मेरे को एक डेकोरेशन करना था, तो मेरे दिमाग में क्या रहता था, इतना काम करा था मेरे को 700 रुपये मिलेंगे, क्या था? मैं इतना डेकोरेशन का काम करूँगा तो मेरे को 700 रुपये मिलेंगे। तो मेरे का दिमाग में क्या चल रहा, मेरे को वो काम करा तो मेरे को 700 रुपये मिलेंगे। इंसान ने अगर सोच लिया कि मेरे को 10,000 कमाना है, 10,000 ही कमाई,
हिंसा करना सोच लिया कि मुझे 1 लाख रुपए कमाना है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, हिंसा करना सोच लिया मुझे 1 साल में 1 करोड़ कमाना है कोई बड़ी बात नहीं, हम किधर रह रहे हो मैटर नहीं करता, हमारी सोच कैसी है वो मैटर करती है, हम कैसे बाहर निकल रहे हैं, हम लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, लोगों को इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में आना है। जब नेगेटिविटी जब निकलती है, जब पॉजिटिव एनर्जी निकलती है ना अंदर से, तो वो इंसान को भी बदल देती है। आज मस्तन सर जो हमारे गुलबर्गा के हैं, इतने पॉजिटिव है, वो नेगेटिव बंदों को सामने खड़ने नहीं देते, दूर से मेरे पास मत आ क्योंकि मेरी जरूरत नहीं है। आज लोग उनके मिलने से, उनके हाथ मिलाने से लोग चेंज हो रहे, क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले के अंदर ट्रांसफर हो गई। ये पॉजिटिव करंट जो बोलते हैं ना, क्या आज जितना इलेक्ट्रिसिटी हाई होगी उतना ज़्यादा करंट लगेगा, अगर हाई वोल्टेज में इंसान जगह पे चले जाएंगे, तो अपने अंदर भी वो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको बाहर निकालो, उसको जगाओ, तब जाके जो भी काम करो उसमें 100% इंशाल्लाह ताला अपने को सक्सेस मिलेगा। आज ये भी काम करेंगे ना, इसमें माइंडसेट बना के काम करो, कोई बैटर नहीं करता, कोई मारना नहीं मारना, हमारा माइंडसेट हम करेंगे, तो जब हम माइंडसेट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह वो आवाज़ जो है, हमारी दुआ है, जो हमारा माइंडसेट है, जो हमारी नियत है, वो ऊपर जाएंगे, ऊपर वाला हमको बराबर रिजल्ट देगा, ठीक है इंशाल्लाह करेंगे ना फिकर इंशाल्लाह। आज जो प्रेजेंटेशन होगी ना, उसके ऊपर जरा गौर फिक्र सुने, आज हमारे मोहम्मद अली सर बताएंगे कि कैसा करना है, हमको पूरा बताएंगे इंशाल्लाह, उसको सुनो, उसके ऊपर अमल करो। लोग बोलेंगे नहीं होता, गधे और घोड़े में फर्क होता होता है कि नहीं होता है ना, जिसने सोच लिया मैं करूँगा वो करके रहता, जिसने सोचा मेरे को करना है तो उसके लिए 1 महीना भी कम है, क्या है, जिसने बोलेगा मैं करूँगा तो उसके लिए 1 साल भी बहुत हो गया, मतलब बहुत है, बोले यार कर लूँगा 1 साल बहुत पड़ेगा बोले, तो टारगेट बना, अपने सामने गोल रखो कि मुझे उसको हिट करना है, मुझे उसको पाना है, बोलना है। आज एक एग्जांपल दूंगा, आज हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हम जेंट्स लोग की बात कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए हम जब जिम में गए, तो अगर हमको वहाँ पे सब अच्छा है, ट्रेनर अच्छा है, जिम अच्छा है, ट्रेनर सब अच्छे, न्यूट्रिशन अच्छा है, बट हम लोग काम नहीं कर रहे उसके ऊपर, हम लोग उतनी कसरत नहीं कर रहे, हम लोग उसको एफर्ट नहीं डाल रहे, तो हम बॉडी बिल्डर बनेंगे नहीं बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, बाहर जाके बोलेंगे यार वो जिम खराब है, बोले बॉडी नहीं बनती, बनती बॉडी जिम से बनती ना, लेकिन हमारी गलती थी कि हमने नहीं करे, हमने वो सिस्टम फॉलो नहीं करे। एक हमारा किस्सा बताऊंगा, मोहम्मद अली सर और मेरा, हमारा माइंडसेट की बात करूंगा, माइंडसेट कैसा काम करता है। हम 3 साल से फिटनेस के ऊपर ट्राई कर रहे थे, हमको वेट लॉस करना है, हम दुनिया भर की चीज़ें ट्राई करें, बट हमारे पास सिस्टम नहीं था, क्योंकि सिस्टम से काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। फाइनली हमारे पास एक प्रोग्राम आया मोबाइल के ऊपर, मिस्टर गुरुमन सर है एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, उनका हमने प्रोग्राम फॉलो करे। हम जब जिम करते थे ना, इसमें जिम के अंदर, तो मोबाइल में देख के करते थे, लोग हमारे ऊपर हंसते थे, तो बोले यार क्या कर रहे हो, लेकिन उस 2 महीने के रिजल्ट में हमने 10 किलो कम करे, वही लोग पूछने लगे जो 3 साल मेहनत कर रहे थे वहाँ पे, वो लोग थोड़ा भी ट्रांसफॉर्म नहीं, हम 2 महीने में ट्रांसफॉर्म हो गए, वही लोग पूछने लगे भाई तुमने कैसे किए, जो तुम हंस रहे थे ना उस वक्त, हम जो मोबाइल में देखे कर रहे थे, उसी चीज़ को हमने फॉलो करे, आज वो फॉलो कर रहे, हंसने वाले लोग उसी चीज़ को फॉलो कर रहे आज, क्योंकि हंसने वालों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, हमारा जो काम है, हम जो करने आए हैं, हमको जो करना है उसके ऊपर ध्यान देना, इंशाल्लाह सक्सेस मिलना ही मिलना है, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह सबका माइंडसेट बनाओ। आज से जो है हम अच्छा सोचेंगे, क्योंकि अच्छा सोचेंगे, देखो लाइफ में प्रॉब्लम है, अच्छा सोचो, हम अच्छा सोचेंगे तो हमारा अच्छा होगा, हम बुरा सोचेंगे यार इंसान भरोसे के लायक नहीं, तो भरोसे वाला भी इंसान आएगा तो तुमको वो रहेगा वो भरोसे के लायक नहीं है, वो भी धोखा करके जाएगा, तो माइंडसेट को बनाओ, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बाहर लाओ, सबके अंदर है, इंशाल्लाह करेंगे, कोई मैटर नहीं करता कौन है, उम्र कम है, कोई बड़े सपने देखो, बड़ा अचीव करो, इंशाल्लाह अल्लाह देने वाले बहुत बड़े, अपने सोचने के ऊपर अल्लाह ताला बहुत बड़े बड़े फैसले करेंगे। दुआ करना है, अल्लाह से मांगना है,